जय हिंद दोस्तों, वीपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 13 नवंबर 2019 है और आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ हूं। दोस्तों, अगर आपने वीपी स्टूडेंट कॉर्नर का हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोबारा कोई भी जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 11 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। दोस्तों, मैंने आप डेली कहता हूँ कि मतलब जितने भी दिन के डेली के दिवस हैं, डेज हैं खास, उसे आप लोग याद रखिएगा। किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है और मैं तो कहता हूँ कि डेट वाइज आप याद रख लिया जाए, इसलिए मैं सारे डेट को आपको रिविजन करा देता हूँ। तो बात होती है लेख सेवा प्रसारण दिवस की। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12 नवंबर। प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 1947 में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और अंतिम यात्रा के उपलक्ष्य में लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें अगले दिवस की जो यहाँ पर लिखा है 11 नवंबर की, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल किस बंदरगाह पर बनाया जाएगा? हाल ही में विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल किस बंदरगाह पर बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, भावनगर, गुजरात। गुजरात के भावनगर बंदरगाह पर विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाया जाएगा। गुजरात सरकार ने भावनगर पोर्ट पर विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। दोस्तों, अगर हम इस टर्मिनल की बात करें जो सीएनजी टर्मिनल है, तो इसकी जो वार्षिक क्षमता है ना, वह 6 मिलियन मीट्रिक टन होगी। कितना? 6 मिलियन मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, जस्टिस संजय करोल को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? पटना हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट? दोस्तों, जस्टिस संजय करोल को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाल ही में नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल ने उन्हें यह पद शपथ दिलाई है। किसने? बिहार के राज्यपाल ने। दोस्तों, अब बात यह आती है कि किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ की कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। तो और जस्टिस करोल के बारे में आपको बता दें, ये पहले त्रिपुरा के न्यायाधीश थे। कहाँ के थे? त्रिपुरा के। अगला प्रश्न है, मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? अमरेश्वर प्रताप शाही, वी के ताहिल रमानी, संजय करोल या फिर गोविंद माथुर? दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अमरेश्वर शाही जी को चुना गया है। ऑप्शन ए, जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। राज्यपाल के तमिलनाडु ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है और जस्टिस ये अमरेश्वर प्रताप शाही जो थे, ये पहले पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो पटना हाईकोर्ट के बाद ये मद्रास चले आए और जो पटना में है वह त्रिपुरा के न्यायाधीश करोल साहब चले आए। दोस्तों, अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो जैसे वी के ताहिल रमानी की जगह इन्होंने लिया है अमरेश्वर प्रताप शाही ने। संजय करोल जो अभी अभी हमने आपको बताया कि ये पटना के न्यायाधीश थे। गोविंद माथुर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने केरल, तमिलनाडु व गुजरात में मकड़ियों की दो नई प्रजातियों की खोज की है? ध्रुव प्रजापति, सोभित शुक्ला, अनुकृति कुमारी, नवीन सिंह? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ध्रुव प्रजापति। गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर GEER फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर ध्रुव प्रजापति ने केरल, तमिलनाडु व गुजरात में दो नई मकड़ियों की प्रजातियों की खोज की है। दोस्तों, इन तीनों से इस विकल्प में कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, किस एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर इनमें से एक मकड़ी का नाम रखा गया है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एम एस धोनी? अभी जो ध्रुव प्रजापति जी ने दो नई मकड़ियों का खोज की है, तो किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर इनमें से एक मकड़ी का नाम रखा गया है? दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक मकड़ी का नाम मारेंगो सचिन तेंदुलकर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? मारेंगो सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, और दूसरे मकड़ी का नाम संत कुकारोज एलियास चवारा के नाम पर इंडो मारेंगो चवारा पाटर रखा गया है। तो
दो नाम याद रखेंगे, मारेंगो सचिन तेंदुलकर और दूसरा इंडो मारेंगो चवरा पाटर। दोस्तों हम आपको बता दें कि संत कुकारो कुराकोज इलियास चवरा केरल में शिक्षा अभियान को जागरूकता अभियान चलाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है? अंगद वीर सिंह बजवा, सौरभ चौधरी, श्रेया अग्रवाल, धनु श्रीकांत। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सौरभ चौधरी। हाल ही में 14वीं एशियाई चैंपियनशिप जो हो रही है इसमें पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी जी ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक। दोस्तों अगर हम बात करें श्रेया अग्रवाल और धनु श्रीकांत की, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम जूनियर चैंपियनशिप में किसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ही मिक्स्ड टीम जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है। दोस्तों अगर हम बात करें अंगर वीर सिंह बाजवा की, तो इन्होंने कल गोल्ड मेडल जीता था। ठीक दोस्तों अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित पुरुषों की 46वीं भाला फेंक स्पर्धा में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप खिताब जीतते हुए भारत का दूसरा स्वर्ण किसने दिलाया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर ने दुबई में आयोजित, या कहाँ आयोजित हो रहा, दुबई में पुरुषों की F46 भाला फेंक स्पर्धा में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप खिताब जीतते हुए भारत का दूसरा स्वर्ण जिताया। दोस्तों अगर हम बात करें रिंकू कुमार और अजीत सिंह की, तो रिंकू कुमार और अजीत सिंह ने इसी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही जो दुबई में आयोजित हुआ था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब कांस्य पदक। और योगेश कठुनिया की बात करें दोस्तों, तो योगेश कठुनिया डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, किसमें डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल। तो आप लोग मेडल जरूर याद रखिएगा, और जिन्होंने खास तौर से मान लीजिएगा सिल्वर और गोल्ड इसके। अगला प्रश्न है, हाल ही में थॉमस डेन नरवी को फीफा में किस टीम का प्रमुख कोच चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंडर 17 महिला टीम। हाल ही में थॉमस डेन नरवी को फीफा में अंडर 17 महिला कप का प्रमुख कोच चुना गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान समय के कौन हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुआ था। आप लोग इसे न याद रखिएगा, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी का नाम याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोलिविया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम है? दोस्तों हाल ही में राजनीतिक उठापटक के चलते बोलिविया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम इवो मोरालेस है। दोस्तों बात करते हैं बोलिविया की, तो बोलिविया की राजधानी सक्रे है और वहां की करेंसी मतलब मुद्रा बोलिवियानो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ढाका वैश्विक वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन किसने किया है? दोस्तों ढाका वैश्विक वार्ता बांग्लादेश में आयोजित हुआ है, और इसके पहले संस्करण का जो उद्घाटन है वह वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने किया है। और अब बात करते हैं आयोजन की, तो इसका आयोजन बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक अध्ययन संस्थान व ऑब्जर्वर रिसर्च सेंटर, इन दोनों ने मिलकर किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण विज्ञान में जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों के उल्लास कारत। हाल ही में के उल्लास कारत जी को वन्य जीव संरक्षण विज्ञान में जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड से किस अवार्ड से जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अगर हम बात करें अगला जो ऑप्शन है शांता गोखले जी को, तो शांता गोखले जी को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइव 2019 क्या टाटा लिटरेचर लाइव 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर हम के सच्चिदानंदन की बात करें, तो ये महान कवि हैं, इन्हें भी टाटा लिटरेचर लाइव 2019 के लिए पोएट लॉरेट 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या पोएट लॉरेट 2019 अवार्ड। दोस्तों गणेश वेंकट सुमन जी हैं, इन्हें 2018 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा कौन से शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने मेडिकल डिवाइसेज पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 4। हाल ही में भारत सरकार ने कुल 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है।
सरकार ने मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने और उपचार के लिए सस्ती कीमत पर विश्व स्तरीय उत्पाद प्रदान करने की दृष्टि से 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है। पार्क आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। दोस्तों, यह पार्क न केवल आयात बिल में कटौती करेगा बल्कि मानक परीक्षण सुविधाओं तक आसान पहुंच और उत्पादन की लागत को कम करने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन APIADPEC का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों धर्मेंद्र कुमार जी ने। धर्मेंद्र कुमार हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। दोस्तों, रमेश पोखरियाल की बात करें तो हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री जी हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ADPEC का उद्घाटन किसने किया है? धर्मेंद्र कुमार जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईरान। हाल ही में ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है। दोस्तों, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मुंबई में बेस्ट द्वारा कौन सी लेडीज स्पेशल बसें चलाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तेजस्विनी। जैसे दिल्ली में पिंक सिटी बसें और यूपी में भी पिंक बसें चलाई जाती हैं, तो उसी प्रकार से मुंबई में बेस्ट द्वारा तेजस्विनी बसें चलाई जाती हैं, लेडीज स्पेशल बसें। आज के लिए आपका प्रश्न है, पिछले 50 वर्षों में 6 वर्षों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? पिछले 50 वर्षों में 6 वर्षों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, KR नारायण, तिरुनलय नारायण अय्यर सेशन, जिन्हें हम TN सेशन भी कहते हैं। दोस्तों, आप सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना हो हमसे, कोई इम्प्रूवमेंट के बारे में या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारे डेली के करंट अफेयर वीडियो का लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली के न्यूज़पेपर पाना चाहते हैं तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हमने कर दिया है। मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए।